वेलकम बैक गाइस, दिस इज द थर्ड फ्रेम। पैट विक्टर चैंपियनशिप लीग बिटवीन रॉनी ओ'सुलिवन वर्सेस सैम ग्रेगी। यहाँ पर दो फ्रेम की लीड बना रखी है रॉनी ओ'सुलिवन ने। ये थर्ड फ्रेम अभी हम देख रहे हैं, थर्ड और फोर्थ फ्रेम इसमें देखेंगे हम। अच्छा शॉट, और अच्छा सेफ। ये पिछले फ्रेम का है जो कि फ्लूक मिला था रॉनी ओ'सुलिवन को, और इसी प्रकार वो दो फ्रेम की लीड बना पाए। और अच्छा सेफ यहाँ पर रॉनी का भी। दो फ्रेम की लीड बना रखी है अभी रॉनी ओ'सुलिवन ने। देखते हैं इस थर्ड और फोर्थ फ्रेम में क्या होने वाला है। और अच्छा शॉट यहाँ पर, सेफ्टी शॉट सैम ग्रेगी का। रॉनी का भी काफी अच्छा सेफ्टी शॉट, ब्यूटीफुल। क्या रॉनी ओ'सुलिवन यहाँ से अपनी लीड को और आगे लेकर जा पाएंगे, या फिर इस फ्रेम से सैम ग्रेगी कम बैक कर पाएंगे इस गेम में बने रहने के लिए। तो बने रहें इस वीडियो में आखिरी तक। कमाल का शॉट यहाँ पर रॉनी ओ'सुलिवन का। इट्स अ ब्यूटीफुल लॉन्ग पॉट। और रॉनी का अच्छा स्टार्ट एक बार फिर से। लेकिन यहाँ पर थोड़े से नाखुश होंगे क्योंकि उसने अच्छे से रेड ओपन की थी, बट लेकिन वो प्लेसिंग नहीं मिल पाई जो लाना चाह रहे थे। लेकिन बहुत ही अच्छा ट्राई यहाँ पर, बहुत ही अच्छा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पॉट नहीं हुई रेड। और अब अच्छा मौका यहाँ पर सैम ग्रेगी के पास इस फ्रेम से कमबैक करने का। इस प्रकार से वो कट शॉट खेला गया था, बहुत ही अच्छा ट्राई था। क्या यहाँ से अब इस फ्रेम में कमबैक कर पाएंगे सैम ग्रेगी? लेट्स सी, वॉच टिल एंड व्हाट विल बी हैपन इन एंटायर टू फ्रेम्स। चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट करके बताइएगा आपका फेवरेट प्लेयर कौन है इस मैच में, और आपको किस प्रकार की वीडियो देखना पसंद है वो भी कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा।
हम देख रहे हैं बैट विक्टर चैंपियनशिप लीग फ्रेम 3 और 4 अभी हम देखेंगे, जो कि खेला जा रहा है रॉनी ओ'सुलिवन वर्सेस सैम ग्रेगी के बीच में। 2 फ्रेम की लीड अभी बनाए रखी है रॉनी ओ'सुलिवन ने, लेकिन इस फ्रेम में अच्छा स्टार्ट किया है, अपॉर्चुनिटी मिली यहाँ पर सैम ग्रेगी को और अभी तक अच्छा खेलते हुए कम बैक करना चाहेंगे बिल्कुल इस फ्रेम से। बेस्ट ऑफ 5 है, ऑलरेडी 2 फ्रेम लॉस्ट कर चुके हैं। एक और बेहतरीन शॉट, थोड़े से नाखुश दिखते हुए यहाँ पर सैम ग्रेगी। क्या इस डिफिकल्ट रेड को पॉट कर पाएंगे या नहीं? सोचते हुए रेस्ट लेते हुए, क्योंकि थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील कर रहे थे और अभी भी अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं। हैंड का यूज़ करें या फिर रेस्ट का? जी नहीं, यहाँ पर ख़राब शॉट, क्योंकि डिफ़िकल्ट शॉट था और इसीलिए ज़्यादा समय ले रहे थे और उसके बाद मिस कर गए। बहुत अच्छा मौका था यहाँ पर इस फ्रेम से कमबैक करने का सैम ग्रेगी के पास, लेकिन दोबारा अपॉर्चुनिटी यहाँ पर रॉनी ओ'सुलिवन के पास। नहीं, यहाँ पर रॉनी भी मिस कर गए रेड को, सॉरी ब्लैक को। रॉनी के पास भी बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली थी इन्हें इस लीड को आगे ले जाने की, लेकिन मिस कर गए रॉनी भी। और यहाँ अगेन अपॉर्चुनिटी सैम ग्रेगी के पास, अभी जो गलती की थी अगर दोबारा से वो गलती नहीं कर पाए तो ये फ्रेम में कमबैक कर पाएंगे। अच्छी प्लेसिंग, ब्यूटीफुल स्टॉप शॉट। दिस इज अ सेकेंड अपॉर्चुनिटी टू टेक सैम ग्रेगी। ही हैज अ चांस टू विन दिस फ्रेम एंड कम बैक। ब्यूटीफुल क्यू कंट्रोल, अच्छा शॉट, अच्छी प्लेसिंग।
अब यहाँ से तो गलती की कोई भी गुंजाइश नहीं सैम ग्रेगी के पास, और बहुत अच्छा रिवर्स। ये दूसरी अपॉर्चुनिटी मिली सैम ग्रेगी को, क्योंकि रॉनी ओसुलिवन ब्लैक को मिस कर गए थे, इसी वजह से ये फ्रेम जीतते हुए सैम ग्रेगी, उन्हें भी थोड़ा सा कॉन्फिडेंस मिल जाएगा इस फ्रेम को विन करने के बाद, क्योंकि ऑलरेडी दो फ्रेम लॉस्ट कर चुके थे। बेस्ट ऑफ फाइव है, और अच्छे फिनिश के करीब फ्रेम तो विन कर चुके हैं, और फिनिश काफ़ी अच्छा फिनिश है यहाँ पर सैम ग्रेगी का। यहाँ से कमबैक किया है, अच्छा कमबैक। चलिए देखते हैं फोर्थ फ्रेम, लीड है 2-1 की। ये फोर्थ फ्रेम देखेंगे अभी हम, इसमें क्या होने वाला है, बने रहिए वीडियो में आखिरी तक। अच्छा ट्राई, यहाँ देखना होगा अपॉर्चुनिटी शायद सैम ग्रेगी के पास। और नाखुश यहाँ पर अपने आप से रॉनी ओसुलिवन, और जी हाँ यहाँ पर अच्छी अपॉर्चुनिटी एक बार फिर सैम ग्रेगी के पास, एक और फ्रेम विन करने का मौका, फ्रेम में बराबरी करने का भी अच्छा मौका यहाँ पर सैम ग्रेगी के पास। लेकिन क्या होने वाला है आगे, वी डोंट नो, सो स्टिल वॉच टिल एंड। दिस इज़ अ फोर्थ फ्रेम, व्हाट अ लवली क्यू कंट्रोल, रिवर्स विथ बनाना, आई लव दिस शॉट। अच्छा स्टार्ट यहाँ पर सेम ग्रेगी का, लेकिन कुछ अपॉर्चुनिटी मिस कर गए थे, जैसे कि अभी हमने थर्ड फ्रेम में देखा, दोनों ही प्लेयर मिस कर गए थे अपॉर्चुनिटी को, तो यहाँ कुछ ऐसा भी हो सकता है देखने को मिले। लेकिन फिलहाल मौका यहाँ पर सेम ग्रेगी के पास, गेम में बने रहने का और दो फ्रेम की लीड को भी कवर करने का। अच्छा शॉट,
अच्छा खेलते हुए। और इसके बाद फोर्थ फ्रेम के बाद मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊँगा अनदर वीडियो। तो वीडियो को लाइक करें, अभी से शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि ऐसी और वीडियो मैं आप लोगों के लिए अपलोड करता रहूं। आप लोगों का सपोर्ट, आप लोगों का प्यार मिलता रहे। तो लवली रिवर्स, लेकिन थोड़े से नाखुश यहाँ पर सेम करेगी। व्हाट अ शॉट! एक फ्रेम जीतने के बाद अच्छा खासा कॉन्फिडेंस देखने को मिल रहा है यहाँ पर सैम ग्रेगी में, और अच्छा सेफ शॉट। 21 पॉइंट की लीड बना चुके हैं यहाँ पर सैम ग्रेगी, और एक बेहतरीन सेफ शॉट खेला। रोनी के पास कोई मौका नहीं। लेकिन बहुत ही खूबसूरत यहाँ पर सेफ शॉट रोनी का। बहुत ही खूबसूरत शॉट। एक बार फिर से अच्छा शॉट यहाँ पर सैम ग्रेगी का। दूसरी टेबल भी चलती हुई। व्हाट अ शॉट, इनक्रेडिबल शॉट। यहाँ पर लॉन्ग पॉट कराया रेट को सैम ग्रेगी। अच्छे कॉन्फिडेंस में खेलते हुए क्योंकि 2 फ्रेम लॉस्ट कर गए थे, जो उन्होंने 3rd फ्रेम जीता है अपना पहला फ्रेम, उससे काफ़ी कॉन्फिडेंस देखने को मिला है। क्या यहाँ पर बराबरी कर पाएंगे इस फ्रेम को जीत कर सैम ग्रेगी? 2-2 की बराबरी। देखते रहें आखिरी तक। थर्टी एट पॉइंट की लीड। एक बार फिर से अच्छा कंट्रोल।
रॉनी देखते हुए इसी पिंक के साथ 52 पॉइंट्स की लीड क्रिएट कर ली है सैम ग्रेगी ने। आई थिंक इस फ्रेम को यहाँ से हारना नहीं चाहेंगे, बहुत ही अच्छा मौका है यहाँ पर फ्रेम में बराबरी करने का, क्योंकि बेस्ट ऑफ 5 फ्रेम है, तो अगर आप बराबरी कर लेते हैं दो दो की तो फिर यहाँ से डिसाइडर खेला जाएगा नेक्स्ट फ्रेम में, जो कि मैं आप लोगों के लिए अपलोड कर दूंगा। बहुत ही खूबसूरती के साथ खेलते हुए सैम ग्रेगी, और ऑलमोस्ट यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर रोनी का एक भी पॉइंट्स नहीं है, तो यहाँ पर अगर कोई गलती करते हैं तो भी फ्रेम आई थिंक विन कर जाएंगे सैम, लेकिन ऐसा लगता नहीं क्योंकि उन्होंने जैसे ही एक फ्रेम जीता काफ़ी कॉन्फिडेंटली खेल रहे हैं, अच्छा लग रहा है उनको देख खेलता हुआ देख के। 77 पॉइंट्स लीड, रोनी कुछ सोचते हुए, तो यहाँ पर दो दो की लीड बना ली है दोनों ने, तो डेफिनेटली अब मैं आप लोगों के लिए नेक्स्ट फ्रेम जो रहेगा वो डिसाइडर मैं आप लोगों के लिए अपलोड करूँगा कल, तभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें यहीं से। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़रूर से लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ जो स्नूकर लवर हैं, ऐसे गेम देखना जिन्हें पसंद है। हंड्रेड पॉइंट की लीड, क्या टेबल क्लियर कर पाएंगे? लवली क्यू कंट्रोल, और यहाँ पर एक बार फिर से शायद टेबल क्लियर कर पाए। प्लेसिंग बहुत ही लाजवाब प्लेसिंग है इनके पास, क्यू कंट्रोल बहुत अच्छा है इनका। व्हाट अ शॉट, लवली शॉट, और यहाँ मिस कर गए ब्लैक को, लेकिन यहाँ फ्रेम में बराबरी कर लिए, मिलते हैं डिसाइडर मैच में।